नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 12 दिसंबर 2017। स्वागत है आपका प्रीमियम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम महानदी रिवर से संबंधित इश्यू को डिस्कस करेंगे। पहले हम ज्योग्राफिकल लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं महानदी रिवर के बारे में। यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम में। तो देखो, महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ के डंडाकरना हिल्स सिहावा रेंज से निकलती है। यहां पे देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, यहां पे डंडाकरना हिल्स सिहावा रेंज से निकलती है महानदी रिवर। छत्तीसगढ़ से बाहर निकलने के बाद एंटर करती है उड़ीसा में, ये उड़ीसा स्टार्ट हो जाता है यहां पे, और उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाती है महानदी रिवर। टोटल जो लेंथ है वो है 858 किलोमीटर, यानी 858 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस प्रकार से हैं, सियोनाथ रिवर, हसदो रिवर, मांड रिवर, इब रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये तो देखो प्रीलिम के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इशू क्या है अब देखो, महानदी रिवर के पानी को डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, पानी को बांटने को लेके विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। क्या ये पूरा विवाद है, डिटेल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1953 से पहले, यानी 1953 से पहले महानदी रिवर को सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि महानदी रिवर की वजह से उड़ीसा में बहुत सारी फ्लड्स आती थी, बाढ़ आती थी। लेकिन 1953 के बाद हीराकुड डैम बनाया गया महानदी रिवर पे उड़ीसा में। तो हीराकुड जो डैम बनाया गया उड़ीसा में महानदी रिवर पे, उससे उड़ीसा को काफी फायदा हुआ। फायदा कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जैसे ही हीराकुड डैम बना महानदी रिवर पे उड़ीसा में, जो इरिगेशन का एरिया था वो एक्सपेंड हो गया उड़ीसा में। वहां पे जो किसान थे उनको खेती करने के लिए पानी मिलने लगा। तो 1953 से पहले जो महानदी रिवर उड़ीसा के लिए सोरो थी, वही एसेट बन गई 1953 के बाद, जब हीराकुड डैम बना महानदी रिवर पे उड़ीसा में। ठीक है, यहां तक सब सही है। लेकिन देखो, 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग से नया राज्य बनता है। तो छत्तीसगढ़ जब अलग से नया राज्य बनता है, तो छत्तीसगढ़ ने महानदी रिवर पे छोटे छोटे बैरेज, छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। यहां पे देखो, मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ है, तो इस रिवर पे छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश करने स्टार्ट कर दिए छत्तीसगढ़ ने। तो इससे हुआ क्या कि जब मानसून का सीजन अच्छा खासा होता है, जिस सीजन में बारिश ठीक आती है, तो उस सीजन में तो देखो महानदी में पानी ठीक रहता है उड़ीसा में। लेकिन ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने का एक नुकसान ये हुआ उड़ीसा को कि जिस साल मानसून का जो सीजन है वो अच्छा नहीं होता, उस सीजन में महानदी में जो पानी का स्तर है वो काफी कम हो जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा ने इस चीज के विरुद्ध आवाज उठाई। उड़ीसा ने छत्तीसगढ़ को कहा कि आपने जो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इसकी वजह से हमारे यहां पे जो महानदी का पानी आता है उसका लेवल जो है वो काफी कम हो गया है। तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो पूरा विवाद क्या है वो हमने समझा। अब देखो, इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अनुसार, अगर किसी राज्य को, हमारे देश में किसी स्टेट को किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है इस एक्ट के अनुसार, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साल के अंदर अंदर उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ट्रिब्यूनल की घोषणा करनी पड़ेगी। समझ गए? तो अब उड़ीसा ने पिटीशन डाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पिछले साल जुलाई 2016 में कि महानदी का पानी का जो बंटवारा है वो ठीक से नहीं हो रहा है और हमें दिक्कत है, इसलिए आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए और वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि छत्तीसगढ़ को कितना पानी मिलेगा और हमें कितना पानी मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अनुसार ट्रिब्यूनल का निर्माण नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि देखो, उड़ीसा ने प्रॉपर डेटा हमें नहीं दिया है जिसके बेस पे हम ट्रिब्यूनल की घोषणा कर सके महानदी के रिवर के बंटवारे के लिए। तो ये पूरा विवाद है। तो अभी महानदी के लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है, बार बार उड़ीसा आरोप लगाता है छत्तीसगढ़ पे, छत्तीसगढ़ आरोप लगाता है उड़ीसा पे। तो ये सारे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट भी पूछा जा सकता है, और जो ज्योग्राफिकल लिहाज से हमने प्रीलिम के लिए फैक्ट्स डिस्कस किए वो भी पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में हर एक साल नागालैंड में। याद रखिएगा, नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल में नागा जो कल्चर है, नागा का रहन सहन, फूड, उन सब चीजों को एग्जिबिट किया जाता है। डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं नागालैंड की, वो जुड़ती हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और हॉर्नबिल नाम जो है वो फेस्टिवल का एक पक्षी के नाम पे है, हॉर्नबिल बर्ड के नाम पे है। काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है हॉर्नबिल बर्ड की, जो नागालैंड की लोक गाथाएं हैं उसमें, लोकल कल्चर में हॉर्नबिल बर्ड की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है नागालैंड में। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है? अभी कंटेक्स्ट यह है
कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने कहा है, क्योंकि अब देखो 10 दिसंबर जा चुका है यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। इस साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हॉर्नबिल फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, देखने के लिए। टोटल जो संख्या है टूरिस्ट की वो है 2,43,214 और उसमें से 2,400 जो है वो फॉरेन टूरिस्ट आए, 38,700 जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट और 2,00,000 के आसपास लोकल टूरिस्ट। तो देखो ये जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में जो हमने डिटेल्स डिस्कस की, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, हॉर्नबिल एक बर्ड है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल CISF के बारे में है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसे बनाया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू 1969 में यानी 1969 में, और ये CISF आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है CISF। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि देखो मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, या फिर PSUs, सेल की बिल्डिंग, NTPC की बिल्डिंग, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है CISF। इवन जो UPSC की बिल्डिंग है, UPSC की बिल्डिंग को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है CISF। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, CISF अमेंडमेंट बिल 2008, CISF का जो बिल एक्ट है उसमें चेंज किया गया था 2008 में, और अलाउ किया गया था CISF को कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं यानी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी सिक्योरिटी दे सकती है CISF फीस के बदले में। तो अभी इंफोसिस कंपनी को सिक्योरिटी देती है, इंफोसिस का कैंपस है मैसूर में, उसको सिक्योरिटी देती है CISF, समझ गए। तो अगर UPSC यूं पूछे कि कौन सी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि प्राइवेट कंपनीज को सिक्योरिटी दे सकती है, तो उसका आंसर होगा CISF। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, कंटेक्स्ट ये था, कंटेक्स्ट तो बताना भूल ही गया, कंटेक्स्ट ये था कि अभी जो प्रद्युमन ठाकुर की मौत हुई थी रियान इंटरनेशनल स्कूल में, तो उसके बाद काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं CISF से कि आप हमारी सिक्योरिटी का ऑडिट कीजिए। तो CISF की जो कंसल्टेशन विंग है वो प्राइवेट स्कूल्स को एडवाइस दे रही है कि आप अपनी सिक्योरिटी को इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको इस प्रकार से डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन CISF इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल व्यास सम्मान के बारे में है। 2017 का व्यास सम्मान दिया गया है ममता कालिया को। ममता कालिया हिंदी राइटर है, इन्होंने नॉवल लिखा दुखम सुखम। हिंदी लिटरेचर में अच्छा काम करने के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। तो फिर से बोलता हूँ, व्यास सम्मान 2017 का है, वो ममता कालिया को दिया गया, और हिंदी लिटरेचर में अच्छा काम करने के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है हर एक साल। और ये जो सम्मान है, ये जो अवार्ड है, वो दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी व्यास सम्मान के बारे में। अगला आर्टिकल ICAN के बारे में है, मतलब इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। क्या कंटेक्स्ट है, इस बार का जो नोबेल प्राइज है पीस के लिए वो इनको दिया गया था ICAN को। तो अब न्यूज़ है कि इन्होंने अपना जो शांति पुरस्कार है, नोबेल प्राइज है पीस के लिए, उसको स्वीकार किया है। ICAN के बारे में हम बात करें तो ये है कोलिशन ऑफ 100 ऑफ NGOs, मतलब कि विभिन्न देशों में NGOs काम करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में, उन NGOs का ये गठबंधन है, उन NGOs का ये अलायंस है ICAN। काम क्या करता है ICAN, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में जागरूकता फैलाता है, अवेयरनेस फैलाता है, विभिन्न कंट्रीज को प्रेसराइज करता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप मत कीजिए, और जो देश जिनके पास में अभी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी प्रेसराइज करने की कोशिश की जाती है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कीजिए। तो इनके प्रयासों से ही UN में एक ट्रीटी आई थी, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। UN में ये ट्रीटी डिजाइन की गई थी जुलाई 2017 में। तो 122 कंट्रीज ने उसमें इंडोर्स किया था इस ट्रीटी को। अभी तक ये फॉर्म में नहीं आई है, जब 50 देश इसे साइन कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे, तब जाके ये फॉर्म में आएगी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो अभी तक 50 देशों ने साइन और रेटिफाई इसे नहीं किया है। अगर कोई देश इस ट्रीटी को रेटिफाई करता है, साइन करने के बाद में रेटिफाई करता है, तो वो देश ना तो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करेगा, ना न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण करेगा, या फिर स्टोर करेगा, कुछ भी नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित, अगर कोई देश इस ट्रीटी को साइन करके रेटिफाई करता है। तो इस ट्रीटी को UN में लाने के लिए ICAN का अहम रोल रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ICAN ने इस ट्रीटी को UN में लाने के लिए, हालांकि अभी इफेक्ट में नहीं आई है। तो देखो, जो 9 देश हैं जिनके पास में अभी फिलहाल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन 9 देशों में से ना तो UN में जब ये ट्रीटी आई थी जुलाई 2017 में उसमें इंडोर्स किया उन 9 देशों ने जिनके पास में फिलहाल अभी न्यूक्लियर हथियार हैं, और ऐसी भी उम्मीद कमी है कि ये 9 देश इस ट्रीटी को साइन या फिर रेटिफाई करेंगे। सोच के देखिए, कौन सा देश जिसके पास अभी न्यूक्लियर वेपन है इस ट्रीटी को साइन करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना चाहेगा, कोई भी देश नहीं करेगा ऐसे। अब देखो, एक चीज आप हमेशा याद रखो, प्रीलिम की जब आप तैयारी करते हो ना, एक चीज आप हमेशा याद रखो, हर एक आर्टिकल को आप
इस प्रकार से देखो कि क्या क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इस आर्टिकल पे क्या क्वेश्चन बना सकता हूं। अगर देखो हर एक टॉपिक हर एक आर्टिकल पढ़ते वक्त आपकी ये अप्रोच रहेगी कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो डेफिनेटली वो आर्टिकल आपके दिमाग में छप जाएगा। और इसका एक फायदा यह होगा कि आपके दिमाग में सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, जिस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं बन सकता उसको आप याद भी नहीं रखोगे। देखो ये चीज कैसे डेवलप होगी, ये चीज ऐसे डेवलप होगी, अपने साथ हमेशा जब भी आप पढ़ते हो ना प्रीलिम के लिए जो पुराने यूपीएससी के पेपर्स है ना हमेशा साथ रखो, ये जो कोचिंग सेंटर्स की टेस्ट सीरीज है वो मत साथ रखो, यूपीएससी के पेपर्स हमेशा साथ रखो अपने, ताकि यूपीएससी के स्टैंडर्ड का आपको पता लग सके कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। फिर उसी प्रकार से उस आर्टिकल के बारे में सोचो कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं कैसे क्वेश्चन को सेट करूंगा। समझ गए, ये काफी फायदा होगा, ये करके देखना मेरे कहने से। आज चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन है हैदराबाद डिवीजन में, साउदर्न सेंट्रल रेलवे में हैदराबाद डिवीजन है और उसके अंदर है कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन। क्यों यूज में है? यह हमारे देश का पहला एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे जो पहले लाइट्स थी उनकी जगह LED लाइट्स लगा दी गई हैं। सीलिंग फैंस जो हैं वो अभी ब्रशलेस DC इलेक्ट्रिकल मोटर एनर्जी एफिशिएंट फैंस हैं। 12 एयर कंडीशनर्स की जगह पे अभी एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर टाइप ACs लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ध्यान रखा गया है कि एनर्जी कम से कम कंज्यूम हो, इसीलिए कचेगुड़ा रेलवे स्टेशन जो कि हैदराबाद डिवीजन में है वो हमारे देश का पहला एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल RIC ग्रुपिंग से संबंधित है। RIC में देखो ग्रुपिंग में 3 मेंबर कंट्रीज हैं, रशिया, इंडिया और चाइना। 2002 में ये ग्रुपिंग बनी थी RIC ग्रुपिंग। अभी कंटेस्ट ये है कि 15वीं ट्राइलेटरल मीटिंग हुई और तीनों देशों के, रशिया के, इंडिया के और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस RIC ग्रुपिंग की मीटिंग में। दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई ये मीटिंग। काफ़ी चीज़ों पर चर्चा की गई, जैसे कि सीरिया में रशिया का जो रोल रहा है उसकी तारीफ की गई कि रशिया ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं सीरिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। अब जब रशिया की जो फोर्स है वो सीरिया से वापस आ चुकी है तो सीरिया में जो पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए वो सीरिया के लोगों के द्वारा ही होनी चाहिए। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई, प्रीलिम के लिहाज से तो कम ही इंपॉर्टेंट है। और RIC ग्रुपिंग के बारे में पूछा जाता है तो कुछ हेडक्वार्टर वगैरह इसका नहीं है, सिर्फ ये ग्रुपिंग है। 2002 में इसे बनाया गया था। अभी जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है वो 15वीं ट्राइलेटरल मीटिंग है। समझ गए, सिर्फ ग्रुपिंग है, ऐसे कुछ नहीं है कि इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर वगैरह कुछ भी नहीं है इसका, सिर्फ ग्रुपिंग है। 3 देश हैं, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। आज PIB में कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो हम शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया व्यास सम्मान को, 2017 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है ममता कालिया को। उसके बाद हमने ICANN के बारे में डिस्कस किया। कचेगुड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो हमारे देश का पहला एनर्जी एफिशिएंट A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है। महानदी रिवर के बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, क्या विवाद है, रूट क्या है, छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा की तरफ जाती है, फिर ईस्टर्न घाट से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। फेमस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, हीराकुड डैम, जिसकी सहायता से इरीगेशन जो एरिया है वो उड़ीसा का इंक्रीज हो सका है। उसके बाद हमने हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया था। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया RIC मीट के बारे में। RIC ग्रुपिंग में 3 कंट्रीज हैं, रशिया है, इंडिया है और चाइना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।